हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जहां पर आज हम लेकर आ चुके हैं सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति इलोन मस्क की बायोग्राफी, जिस बुक में आज हम जानेंगे कि आखिर वो दुनिया के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्सन क्यों माने जाते हैं और आने वाले भविष्य में वो कौन सा इनोवेशन लाने वाले हैं, और आप ये जानेंगे कि आखिर वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और साथ में आपको उनके सभी कंपनी के बारे में इस बुक समरी में जानेंगे। नंबर वन, इलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। इलोन मस्क की माता मे मस्क मॉडल थी। इलोन मस्क के पिता एक पायलट थे और वह इंजीनियर और प्रॉपर्टी डेवलप का काम भी किया करते थे। इलोन मस्क के दो छोटे भाई बहन हैं, जिसमें किम्बल और बहन का नाम तोस्का है, और इलोन मस्क के दादा भी पायलट थे। सन 1980 में इलोन मस्क के माता पिता का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद इलोन मस्क अपने पिता के साथ ही रहे, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा भी हुआ क्योंकि इलोन मस्क की उनके पिता से नहीं बनती थी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनके स्कूल में दिन अच्छे नहीं गुजरे क्योंकि उनको डराकर मार पिटाई की जाती थी। एक बार तो लड़कों ने मिलकर उनको सीढ़ी से नीचे फेंक दिया था, जिस कारण से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया। लेकिन इलोन मस्क बचपन से बहुत तेज थे। उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ब्लास्टर पीसी ऑफिस टेक्नोलॉजी गेम बना ली थी और इस गेम को $500 में बेच दिया था। और फिर जब इलोन मस्क 17 साल के हुए तो उन्होंने अमेरिका जाने का मन बना लिया क्योंकि वो मानते थे कि अमेरिका में सबके सपने पूरे होते हैं। फिर इन्होंने इसके लिए सबसे पहले कनाडा की सिटीजनशिप ली क्योंकि उनके नाना और माता कनाडा से थे। उनके शुरुआती दिन कनाडा में बहुत बेकार गुजरे क्योंकि उनको लेबर जैसे लकड़ी काटने के काम करने पड़े थे। सन 1990 में उन्हें क्वीन यूनिवर्सिटी ओंटारियो में एडमिशन मिल गया और वहीं उनकी पहली गर्लफ्रेंड जस्टिन मिली। आगे चलकर फिर दोनों ने शादी कर ली, उनके 5 बच्चे हुए, और बाद में 2 साल के बाद इलोन मस्क को यूएसए की यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया और इस तरह उनका अमेरिका जाने का सपना पूरा हो गया। उसके बाद उनका भाई किम्बल भी उनके साथ रहने के लिए आ गया, जो उन्हीं की तरह जीनियस था। 1997 में इलोन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बीएससी की डिग्री पूरी कर ली और कॉलेज के दिनों में इलोन मस्क इंटरनेट, सोलर एनर्जी और स्पेस की बातें किया करते थे, जिस कारण उन्हें लोग पागल भी समझते थे, और इन विषय पर वो रिसर्च पेपर भी लिखते थे। उनके अल्ट्रा कैपेसिटर पेपर की बहुत तारीफ भी की गई थी और उन्होंने पहला स्टार्टअप जिप 2 स्टार्ट किया था, जिसे 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर शुरू किया था, जिसमें उन्होंने जिप 2 नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। ये सॉफ्टवेयर गूगल मैप्स की तरह काम करता था। इसको बाद में कॉम्पेक नाम की बड़ी कंपनी ने खरीद लिया था, जिसमें इलोन मस्क को $22 मिलियन मिले थे, जो इंडियन रुपए के 1 अरब 20 करोड़ बराबर होते हैं। इस तरह 27 साल की उम्र में ही वो एक अरबपति बन चुके थे और उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक बड़ा सा अपार्टमेंट और एक बड़ी सी गाड़ी खरीद ली थी। X.com और पेपल की शुरुआत कैसे हुई? इलोन मस्क ने जिप 2 बेचने से पहले X.com नाम की एक कंपनी शुरू कर दी थी, जो नेट बैंकिंग का काम करती थी, और वो सिर्फ ईमेल से ही पैसे का पेमेंट कर देती थी। और बाद में इस कंपनी को पेपल से मर्ज कर दिया गया और मर्जर्ड कंपनी का नाम पेपल ही रख दिया गया था। और इसके CEO इलोन मस्क बनना चाहते थे, लेकिन आपस में मतभेद होने के चलते ऐसा नहीं हो सका, और बाद में इसे ईवे ने खरीद लिया। पेपल के बिकने के बाद $165 मिलियन मिले, जो करीबन 12 करोड़ रुपये होते हैं। और इसी बीच इलोन मस्क ने शादी भी कर ली थी। इलोन मस्क ने स्पेस एक्स की शुरुआत कैसे की? पेपल के खत्म होने के बाद इलोन मस्क का ध्यान स्पेस और सैटेलाइट की तरफ गया, क्योंकि उस समय सिर्फ रशियन ही रॉकेट बनाते थे, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। इस वजह से इलोन मस्क ने रॉकेट बनाने की ठान ली और फिर 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी शुरू कर दी, जिसको उन्होंने पेपल को बेचने से मिले पैसों से की थी। उन सब पैसों को उन्होंने स्पेस एक्स में इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि वो मानते हैं कि धीरे धीरे धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी, इसलिए वो मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना चाहते हैं। और उन्होंने 2040 तक मंगल ग्रह पर 80,000 लोगों को बसाने का प्लान बनाया है, और स्पेस एक्स इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने में भी काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी चलाया है। और जिस साल उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की थी, उनके साथ एक बुरी घटना हुई थी। उनके बच्चे की रात को सोते सोते ही मौत हो गई थी। इससे इलोन मस्क को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस दुख को संभाला और उनके 5 बच्चे और हुए, जिनमें 2004 में उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम ग्रिफिन और जेवियर रखा गया था। और फिर 2006 में उनके 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए, जिनमें उनका नाम डेमियन, सेक्सन और कई रखा गया। अब उन्होंने टेस्ला की शुरुआत कैसे की? बात दोस्तों ये सन 2002 की है, जब जेबी स्ट्रोबो नाम के एक जीनियस ने एक पोर्स कार को इलेक्ट्रिकल कार में बदल दिया था। फिर वो व्यक्ति इलोन मस्क से मिला और उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया और दोनों ने मिलकर फिर इलेक्ट्रिकल कार बनाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इलोन मस्क 2003 में मार्टिन एबर्ड और मार्क टारफेनिंग से मिले और इस तरह टेस्ला कंपनी की शुरुआत हुई। और उन्होंने इस टेस्ला कंपनी का नाम महान फिजिस्ट निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा, जिन्होंने दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रिकल मोटर बनाई थी। और फिर टेस्ला ने पहली अपनी इलेक्ट्रिकल स्पोर्ट कार साल 2008 में टेस्ला रोडस्टर नाम से मार्केट में उतारी, जिसे लगभग 31 देशों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और फिर साल 2021 में टेस्ला ने इंडिया के बेंगलुरु में अपना पहला ऑफिस खोला,
जहाँ पर इस कंपनी को टेस्ला मोटर इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से शुरू किया गया। सोलर सिटी की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कोयले से की जाती है। इससे पास्ट से ही इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और धरती पर तरह तरह के अलग अलग डिजास्टर होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इलोन मस्क ने क्लीन एनर्जी सोर्स का उत्पादन पर जोर दिया है, इसलिए उन्होंने 2006 में अपने कजन के साथ मिलकर सोलर सिटी कंपनी की शुरुआत की थी। और फिर बाद में 2013 में यह कंपनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी पैदा करने वाली कंपनी बन गई थी। इलोन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की शुरुआत कैसे की? इस कंपनी को 2016 में इलोन मस्क ने एक फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टनरशिप में शुरू किया था, जिसका नाम न्यूरालिंक रखा गया। इस कंपनी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट करना है। इससे पैरालिसिस, डीफनेस और ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों को ठीक किया जा सकेगा। इलोन मस्क को बोरिंग कंपनी शुरू करने का आइडिया कैसे आया? एक बार की बात है, जब इलोन मस्क ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, उसी समय उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वह बोरिंग कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि टनल के जरिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसान हो जाएगा और कभी ट्रैफिक जैम में नहीं फंसेंगे, और इससे कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा। इसी वजह से द बोरिंग कंपनी की शुरुआत हुई थी। हाइपरलूप का क्या उद्देश्य है? ये बात 2016 की है, जब इलोन मस्क ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। यह हाइपरलूप एक लो प्रेशर वाली सील्ड ट्यूब होती है, जिसके अंदर पोर्ट ट्रेवल करता है। ट्यूब के अंदर कम हवा होने से कोई फ्रिक्शन नहीं होता, जिससे पोर्ट की स्पीड ट्रेन और प्लेन से भी कई गुना फास्ट हो जाती है। इस हाइपरलूप का प्रपोजल वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया था। और इलोन मस्क की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इलोन मस्क की पहली पत्नी जस्टिन थी। दोनों की शादी 2004 में हुई थी और उनसे 5 बच्चे हुए थे, लेकिन 2008 में उन्होंने तलाक ले लिया। फिर उन्होंने 2010 में तालुला रीले नाम की इंग्लिश एक्ट्रेस से शादी कर ली। इन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ 2 साल चला और तलाक ले लिया। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने फिर 1 साल के बाद दोबारा से शादी कर ली, और आखिर में फिर से उन्होंने 2016 में फाइनल में डिवोर्स ले लिया। फिर 2018 में इलोन मस्क ने कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम को डेट किया और उनसे उनको एक बच्चा हुआ, जिसका नाम एक्सी रखा गया, जो एक अजीबोगरीब नाम लग रहा होगा, लेकिन इलोन मस्क जैसे जीने से तो दुनिया यही उम्मीद कर सकती है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि इलोन मस्क की कितनी कंपनियाँ हैं, जो कि सारी की सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, जो कि आम इंसानों से बहुत आगे की सोचती है। क्योंकि इसी कारण इलोन मस्क को सदी का सबसे रेवोल्यूशनरी पर्सन कहा जाता है, क्योंकि उनके आविष्कारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट दुनिया बदलने का दम रखते हैं। बस दोस्तों, इस बुक समरी में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले किसी बुक समरी में।